बिल्कुल, वो संस्कृत फारसी अद्भुत कुछ करते हैं ये, तो इसलिए आप इस अवसर पे लीलाधर जी हमारे अध्येता से भी अध्येताओं से भी मिलेंगे, ये मेरी इच्छा थी कि हम ये हिंदी का हिंदी दिवस एक हम एक आनंद उत्सव की तरह, एक पर्व की तरह मनाएंगे। होना ही चाहिए, होना चाहिए। वाणी का पर्व है, इसको ज्यादा अच्छी तरीके से मनाया जाना चाहिए। और हमारे लिए ये बहुत ही गौरव की बात है कि आपने हमें यहाँ आके क्या कहेंगे हमारा हमारा सम्मान और प्रतिष्ठा पाई, आपने आने की हिम्मत की और उससे हमें बहुत अच्छा लग रहा है सचमुच। नहीं, मुझे भी खुशी है कि आपने मुझे याद किया, लोगों ने ऐसा अवसर पैदा किया कि शिमला ना आके शिमला वालों से बात हो जाए। शिमला तो आप जरूर आइएगा, कोरोना के बाद हिमाचल भी देवभूमि कहलाती है, तो आप ही का घर है। असली तो हिमाचल वही है, पर भूमि के वैसे उत्तराखंड हिमाचल पुराने जमाने में कोई सीमा नहीं थी, बाद में ये सीमाएं बनी है। स्कंद पुराण में तो इसको नेपाल से शुरू किया गया। एग्जैक्टली। वैसे यहाँ नेपाल के राजाओं का भी शासन रहा है हिमाचल में, और अगर हम कांगड़ा वगैरह जाएंगे तो ऐसे नाम पाते हैं जो उत्तराखंड से भी और तराई से भी जुड़े रहा है लोगों का पहले जमाने से। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? आप मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। तो आप एक काम है, चलिए जी जी कहिए। मैंने कहा साफ आ रही है या कम आ रही है, ज्यादा है, ऐसा कुछ नहीं। वॉल्यूम चलिए, नहीं, बहुत ही स्पष्ट और साफ आ रही आवाज, एकदम अच्छी बढ़िया अच्छी बढ़िया। तरीके से हम सुनाई दे रहा है। तो रितिका जी, क्या शुरू करें हम लोग? जी 3 तो बज गए, समय अनुसार हम शुरू करें। तो सबसे पहले तो मैं लीलाधर जी का स्वागत करता हूँ आज के हमारे हिंदी पर्व में, और हमारे अध्येताओं का भी स्वागत करता हूँ, और सारे हमारे सेक्शन ऑफिसर्स और दूसरे लोग जो शामिल हुए हैं सबका स्वागत करता हूँ। जैसे मैंने पहले ही कहा है, हिंदी दिवस हमारे लिए एक आनंद पर्व है, क्योंकि हमने इंस्टीट्यूट में, संस्थान में, उच्च अध्ययन संस्थान में एक लगातार प्रयास किया है पिछले 2 सालों से, जब से मैंने निदेशक पद संभाला है, कि यहाँ हिंदी बोली जाए, सुनी जाए और हिंदी में कामकाज बढ़े, और सिर्फ हिंदी में नहीं, सभी भारतीय भाषाओं में कामकाज बढ़े, शोध कार्य भी बढ़े, और सारी हमारी भाषाएं जो हमारा हमारे बहुभाषीय संस्कृति के प्रतीक हैं, वो सारी जी भाषाएं यहाँ लहरों की तरह वो सब पूरे संस्थान में इनकी गूंज लहरों की तरह बढ़े, ये हमारी प्रार्थना थी, हमारा प्रयास था। और मैं इसके बारे में एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। देखिए, ये हम कहते हैं ये फाइल वर्क जो है, तो मैंने ऐसे यहाँ आने के बाद निर्देश दिए कि प्रत्येक अंग्रेजी शब्द का हिंदी में एक यहाँ तर्जुमा होना चाहिए, ताकि बहुत ही आसानी से जिनको पारिभाषिक शब्द पता नहीं है, जैसे अबव साइटेड तो ऊपर युक्त, अकॉर्डिंगली तदनुसार, एफिडेविट हलफनामा, शपथ पत्र, ऐसे अफोरसेड पूर्वोक्त, देख रहे हूँ। तो हमने प्रत्येक फाइल पे ये छाप दिया है, ताकि अगर कोई भी नोट हिंदी में आती है उसका जवाब हिंदी में ही हम देने का प्रयास करते हैं। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि मैं वैसे, मेरी रोजी रोटी और मेरा शोध कार्य सब अंग्रेजी से जुड़े हैं, मगर मैं अंग्रेजियत का समर्थक बिल्कुल नहीं हूँ, है ना? अंग्रेजी भाषा एक भारतीय भाषा के तौर पे हम मानते हैं, लेकिन अंग्रेजियत जिससे एक भाषाओं के बीच में जो हम कहेंगे हायरार्की है, उसका हम विरोध करते हैं, और हमें लगता है कि सारी भारतीय भाषाओं का प्रयोग होना चाहिए। अब हिंदी पे आते हैं, मैं 2 मिनट
हिंदी पे बोलना चाहता हूँ। आज हमारी बहुत खुशी का दिन है क्योंकि नए हिमांजलि की प्रति आज निकली है, तो हम वर्चुअली हम लीलाधर जी के कर कमलों से इसका उद्घाटन करवाते हैं। लीलाधर जी, आपको कॉपी पहुंच जाएगी और आपका हाथ मेरा हाथ, तो आप मेरी तरफ से समर्पित करिए। बहुत 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 धन्यवाद लीलाधर जी। और हमारे हाड़ा साहब, माधव हाड़ा साहब और बलराम शुक्ल जी बैठे हैं, हमारे दो संपादक, हमारे हिंदी अफसर राजेश कुमार जी भी बैठे हैं। इन्होंने बहुत मेहनत की है और मेरे हिसाब से ये अंक बड़ा अच्छा है। मैंने खुद इसको झांका है, पढ़ा है और इसमें बहुत अच्छे अच्छे लेख हैं। एक लेख का मैं थोड़ा सा उल्लेख करना चाहता हूँ और ये बहुत अच्छा लेख लिखा गया है अजेंद्र नाथ त्रिवेदी साहब ने, राष्ट्रीय एकता में हिंदी की भूमिका नाम का लेख है। और इसमें देखिए लीलाधर जी, इन्होंने एक उल्लेख किया है जिसके बारे में मुझे भी पता नहीं था, मुझे इन चीज़ों में रुचि है, लेकिन वो कहते हैं कि मोटूरी सत्यनारायण जी ने हिंदी की 10 भूमिकाएं इन पे प्रकाश डाला है। तो मोटूरी ये सत्यनारायण जी कौन है मैं जानता नहीं हूँ, मैं शोध करूँगा बाद में, आज ही अंक मेरे हाथ में आया है। लेकिन जो इन्होंने 10 भूमिकाएं अंकित की है, ये मेरे लिए बहुत एक नए चिंतन का विषय बन गया है। मैं ये आपके अनुमति से थोड़ा सा ये 10 भूमिकाओं को, धन्यवाद। तो वो कहते हैं एक ये क्रमशः कहते हैं प्रादेशिकता, तो हिंदी से क्या होता है प्रादेशिकता की एक भूमिका है हिंदी की, प्रादेशिकता। दूसरी राष्ट्रीयता, तीसरी प्रशासनिकता, चौथी सार्वदेशिकता, पांचवी जनपदीयता, छठी अंतर प्रादेशिकता और सातवीं सांस्कृतिक सामासिकता। सांस्कृतिक सामासिकता, हिंदी एक समास है, जोड़ता है, सामासिकता। इसके बाद कहते हैं अंतरराष्ट्रीय भारतीयता, यानी आप देश छोड़ के बाहर जाएंगे तो आपकी पहचान कुछ हद तक हिंदी से होगी। तो ये है भूमिका। और फिर और इसकी आखिरी भूमिका दसवीं कहते हैं सांस्कृतिक प्रतीकात्मकता और आखिरी अंतरराष्ट्रीय माध्यमिकता। तो ये 10 भूमिकाएं जो हिंदी की इन्होंने मोटारू सीतारामैया जी, देखिए नाम भी साउथ इंडियन है, दक्षिण भारत का नाम है, याद दिलाता है जैसे देश की आज़ादी के आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का आयोजन किया था, गठन किया था, उससे भारत में हिंदी के प्रसार प्रचार में बहुत हवा मिला। दरअसल आप लोगों को जान के थोड़ी सी हैरानी होगी कि मैंने हिंदी भी दक्षिण भारत में ही सीखी है। हम लोग बेंगलुरु गए, मैं 6 साल का भी नहीं था, मेरा जन्म गुजरात में हुआ और बचपन से मुझे गुजराती मराठी आती है, मेरी मातृभाषा मराठी है। और मैंने एक लेख लिखा था, एक पत्रिका निकलती थी हमारे अशोक वाजपेयी जी की, उसका नाम ही था हिंदी। तो उसमें उन्होंने मुझे कहा मकरंद भाई तुम भी कुछ लिखो, मथुरा विश्वविद्यालय। एग्जैक्टली, तो हिंदी नाम की ये पत्रिका थी और इसमें मैंने एक लेख लिखा था हिंदी है हम, जो इकबाल साहब का था, उसमें से मैंने, तो मैंने इसमें ये कहने की कोशिश की थी कि जो विभाषी है हमारे जैसे, जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है, उनका भी हिंदी पे अटूट प्रेम रहा है, चाहे वो गांधी जी हो या आज के नरेंद्र मोदी जी हो, इन्होंने हिंदी के लिए इतना कुछ क्यों नहीं, इतना कुछ किया, पूरा नौछार किया। जैसे उपेंद्र नाथ अश्क थे, अज्ञेय जी थे, ऐसे अनेक लेखक थे। ये पूछा गया कि मैं इसकी संस्कृत बनाई जाए कि वह हिटलर की तरह आचरण करता है, तो सबने इधर उधर की तिगड़ा में लगानी शुरू कर दी, पर गुरुजी ने अंत में एक बहुत अच्छा सा समाधान दिया, वो मुझे आज भी याद है, इतना सरल समाधान। और वो हमारी भाषा की प्रवृत्ति भी है, हमारी हिंदी की भी प्रवृत्ति है, जो उन्होंने कहा कि भाई आप दूर क्यों जा रहे हैं, हिटलर को हिटलर ही रहने दीजिए ना, और स हिटलर आयते, उन्होंने कहा ये होना चाहिए।
वह हिटलर की तरह आचरण करता है, इसमें तो कितने शब्द है, वह हिटलर की तरह आचरण करता है, 5-6-7 शब्द हैं। उन्होंने कहा केवल स हिटलरायते, वह हिटलराइत हो रहा है, वो हिटलराइत हिटलर की तरह आचरण कर रहा है। हिटलरायते से जो एक ध्वन्यर्थ निकलता है, ये शब्द निर्माण की कला का सबसे बड़ा उदाहरण मैं समझता हूँ। तो ये डॉक्टर जॉनसन ने भी कहा 1755 में कि आप ठीक है, इस वक्त जरूर आप कह रहे हैं कि मैं केवल 15% अंग्रेजी लाया हूं और बाकी सब कुछ जो है फ्रेंच है, लेकिन भविष्य में यही फ्रेंच जो है अंग्रेजी होने जा रही है, क्योंकि आपको आगे बढ़ना है तो आपको अपने यहाँ आए हुए अतिथि का सम्मान ही नहीं करना है, अपने यहाँ आए हुए शब्दों का भी सम्मान करना है। तो ठीक है, जो शब्द आ गए हैं हमारे यहाँ वो हमारे जीवन के अविभाज्य अंग हो जाते हैं, अगर उनकी हमें जरूरत है तो हमें उन्हें चलाना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए, और हिंदी की डिक्शनरियों की जो दरिद्रता है उसको दूर करना चाहिए। एक हमारी परिचित थी, वेनिस विश्वविद्यालय की हेड थी वो हिंदी की, और विभागाध्यक्ष थी मारियोला अफ्रेदी, शायद आप लोग जानते भी होंगे, उनका काम काफी है, उन्होंने अनुवाद किया है, कुंवर जी का भी किया है, मेरी भी कुछ कविताओं पे किया है। वो एक बार मुझसे कह रही थी कि ये जो हिंदी की डिक्शनरियां हैं इनमें बड़ी दरिद्रता है। तो मैंने, मुझे थोड़ा सा बुरा भी लगा, लेकिन मैंने कहा कि आप उदाहरण देके बताइए। तो उन्होंने कहा कि देखिए, मैंने आपकी कविता का अनुवाद किया और डिक्शनरी में वो शब्द ही नहीं, मैंने सारी डिक्शनरियां खंगाली। तो मैंने कहा कि 1935 के आसपास की भार्गवा डिक्शनरी एक हिंदी की है, वो छपी हुई है, उसमें आप शब्द ढूंढ रहे हैं। बात की तो अरे फादर कामिल बुल्के वाली, मैंने उनको बताया कि डिक्शनरी है और बहुत सारी है, पर हमारे लोगों ने डिक्शनरियां कम बनाई है। डिक्शनरियों पे बाकायदा यूनिवर्सिटीज को और संस्थानों को और एकेडमीज को काम करना चाहिए, ठीक ठीक एक ठीक वार्षिक डिक्शनरी निकलनी चाहिए। नोट कर दो ना। प्रतिवर्ष कितने ठीक नए शब्द आते हैं उतरो सर। कला में, साहित्य में, या कविता में, या सिनेमा में, या अखबार में, या कहानियों में, या उपन्यासों में, या लेखों में, या नाटक में कितने नए शब्द आए इस वर्ष। वार्षिक डिक्शनरी एक निकलनी चाहिए और बाद में वो वार्षिक डिक्शनरी मिलके एक पूरा खंड बन जाए, एक बहुत अच्छी डिक्शनरी बन जाए। तो ये परंपरा हमको पैदा करनी चाहिए और चलानी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मैंने आपकी, मैंने कहा कि मेरी किस कविता का अनुवाद किया आपने, तो उन्होंने कहा कि वो मुझे याद नहीं आ रही पूरी कविता, पर मैं बताऊंगी आपको, मैं आपको कॉपी दूंगी, लेकिन उसमें झांसा शब्द आता है। तो मैंने कहा कि यहाँ एक कविता है जिसमें झांसा शब्द है, पर मैडम ये बताइए कि आपने झांसा का क्या अनुवाद किया उसमें अपने इतालवी में। तो उन्होंने कहा कि देखिए, मैं 20 वर्ष से आ रहे हूँ भारतवर्ष और आपसे ज्यादा हिंदी जानती हूँ मैं, ये आप जानते हैं ना। मैंने कहा कि बिल्कुल जानता ही नहीं, मैं मानता भी हूँ कि आप बिल्कुल मुझसे अच्छी हिंदी जानती हैं और सचमुच आप बड़ी अच्छी फ्लोफुल हिंदी बोलती हैं और एक भी अंग्रेजी के शब्द इस्तेमाल नहीं करती थी। तो उन्होंने कहा कि भाई, अब आपके डिक्शनरियों ने तो साथ नहीं दिया, लेकिन मैं घूमती हूँ भारतवर्ष में, इसलिए मैं झांसा का अनुवाद मैं जानती हूँ कि ये झांसी का पुल्लिंग है। तो अब जब आप अनुवाद करते समय डिक्शनरी वास्तव में जब आपको इतना पंगु बना दे, इतना दरिद्र बना दे कि आप अपने कॉमन सेंस से अनुवाद करने लगे, तो फिर कॉमन सेंस का अनुवाद तो ऐसे ही बनेगा कि वो झांसा जो है झांसी का पुल्लिंग हो जाएगा, क्योंकि झांसी तो स्त्रीलिंग है तो झांसा पुल्लिंग होगा। तो ये जो अनुवाद के साथ जो संकट है, एक तो इससे भी बचना चाहिए। डिक्शनरी का अभाव बहुत बुरा है। मैंने वर्धा में जब विभूति नारायण राय थे तो ये बात कही थी, और उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया कि विभूति नारायण राय जी ने वहां डिक्शनरी बनवाई। ठीक है, उसमें कुछ कमियां होंगी, लेकिन एक शुरुआत हो गई है, और वो वार्षिक डिक्शनरियों वाला एक अलग प्रपोजल मैंने दिया था, लेकिन वो अभी तक कहीं लागू नहीं हुआ है। संस्कृत विश्वविद्यालय में भी मैंने कहा कि भाई, आपको नए नए शब्द आते हैं संस्कृत में, हिटलर रायते टाइप के, तो आप उनको लगाइए ना संस्कृत में, उनको भी शामिल करिए। खैर,
बहरहाल अब हिंदी की जो बात तो थोड़ी सी कर लें, इसलिए कि हिंदी में जो कुछ सबसे अच्छी चीज मुझे लगती है वो है हिंदी की वर्णमाला, यानी हिंदी के जो वर्तनी है, हिंदी की जो जो अक्षर है हिंदी के, वो अच्छे किन अर्थों में कहे जाए? क्या हिंदी की वर्णमाला में कोई दोष है अभी या वो निर्दोष है? और शायद वो निर्दोष पहले भी नहीं थी और आज भी नहीं। अब ये सुनने में थोड़ा अटपटा लग सकता है कि हिंदी की वर्णमाला में क्या दोष है, क्योंकि वो तो संस्कृत से आई है और संस्कृत तो एक परिमार्जित भाषा है। भाषा एक अलग चीज होती है और लिपि अलग चीज। भाषा जुबानी चलती है, भाषा के लिए लिपि की आवश्यकता नहीं है, लिपि की आवश्यकता पड़ती है लिखकर बोलने के लिए या बोले हुए को लिखने के लिए। बोलने के लिए लिपि की कोई आवश्यकता नहीं है, ना बोलते हुए अक्षर का स्वरूप वो हमारे दिमाग में तब आता है क्योंकि हम रात दिन उसको लिखते रहते हैं, इसलिए हम जो क ध्वनि सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क आ जाता है कि क कैसे लिखा जाता है, जब एच ध्वनि सुनते हैं तो एच आ जाता है कि कैसे लिखा जाता है। लेकिन जुबान से कोई भी व्यक्ति भाषा का प्रयोग कर सकता है, ये कुदरत की का करिश्मा समझिए, चाहे चाहे ईश्वर की कृपा समझिए, ये बड़ी भारी देन है कि आपको आपको बोलना है, आप बोल लेंगे, आप बोलना सीखते हैं। बच्चा बोलना सीखता है और वो बोल लेता है और स्कूल जाए बिना भी बोल लेता है, और पूरा जीवन एक व्यक्ति जो स्कूल नहीं गया कभी, पूरे जीवन वो बोल सकता है और बोलता है और उसके पास अपनी शब्दावली है और वो उससे काम लेता है। और यहाँ तक कि जब कुछ नहीं होता है तो जो सबसे प्रिमिटिव लैंग्वेज है मनुष्य के पास, जो सबसे आदि भाषा है, वो है संकेत भाषा, जिसको बॉडी लैंग्वेज कहते हैं आज के सभ्य समाज में और पढ़े लिखे लोग। तो जो संकेत भाषा है वो संकेत भाषा तो हर एक के पास है, और कभी कभी तो दुनिया में आप जब घूमते हैं इधर उधर तो उनकी भाषा हम जानते नहीं है, संकेत कर दो तो वो पानी भी पिला देंगे, खाना भी खिला देंगे, चाय भी पिला देंगे, और आपको आपने अगर कहीं ऐसा इशारा किया कि मैं आराम करना चाहता तो कहीं लिटाने की जगह भी बता देंगे कि आइए यहाँ लेट जाइए। तो संकेत भाषा पहली भाषा है जो शब्द विहीन है और लिपि विहीन है लेकिन बड़ी पावरफुल है। अभिनय की भाषा क्या है? अभिनय की भाषा में 50% गुण संकेत भाषा के, और अभिनय इसीलिए समृद्ध होता है। तो भाषाएं जब आपस परस्पर मिलती हैं तो एक दूसरे को समृद्ध करती हैं। अब संकेत भाषा का मैं एक उदाहरण और देना चाहूंगा कि भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में कहा है कि शब्दश्छंद, ये वाक्य बड़ा आकर्षक वाक्य है। ये कहते हैं कि शब्द ही छंद है। हम लोग कहते हैं कि तुक तुक मिलाना छंद है, हम लोग कहते हैं कि नहीं वो इंद्र बज्रा छंद और उपमा छंद और अनुपमा छंद कब बनेगा, जब इतनी मात्राएं होंगी तब छंद बनेगा। वो कहता है कि नहीं, शब्दश्छंद, शब्द ही अपने आप में, शब्द कथन ही अपने आप में, शब्द का उच्चारण ही अपने आप में छंद का निर्माण करता है। तो छंद का निर्माण कैसे करता है? वो कहते हैं कि जैसे जैसे कि वो तो नाटक के व्यक्ति थे तो उन्होंने नाटक का ही उदाहरण दिया है और कहा है कि मैं कहता हूं कि एक्टर से या अभिनेता से कि भाई मैं शब्द का उच्चारण करूं, और कम से कम 3 तरह से तो करो, 5 तरह से कर सको तो कर सको, नहीं तो 3 तरह से तुम तो मुझे मैं का उच्चारण करके दिखाओ। तो एक तो ये हुआ कि उससे ये पता लगता है कि बोलने में भी लय है, छंद है। उन्होंने कहा कि उदाहरण के लिए उसने कहा कि मैं, तो ये प्रश्नवाचक बन गया, कोई आगे पीछे प्रश्नवाचक क्रिया नहीं है, स्वर ने उतार चढ़ाव ने उसे प्रश्न बना दिया, मैं। और अगर वो कहता है कि मैं, तो कहने की आवश्यकता नहीं है कि वो
कितने एरोगेंट होके इस बात को कह रहा है, उसमें कितनी एरोगेंसी है और कितना अभिमान है, कितना घमंड है। और अगर वो कहता है कि मैं, तो उसमें लाचारी है और जो उसमें न शामिल होने वाली स्थिति है वो भी प्रकट हो जाती है। तो उन्होंने कहा कि शब्द छंद, मेरा अभिप्राय यह है अकेला शब्द भी छंद है, अकेला शब्द भी छंद है। उसकी लय, उसकी ध्वनि, उसके उतार चढ़ाव और उसका संप्रेषण, वह छंद का काम कर रहा है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि भाषा का जो व्याकरण है वो एक अलग चीज है और भाषा की जो लिपि है वो एक अलग चीज है। एजुकेशन लाइक, हाँ हेलो, कुछ कह रहे हैं आप? हेलो, सुनाई दे रहे हैं? कुछ नहीं कह रहा, आप बोलिए सर। आप बोलिए सर, आप बोलिए, और दूसरे लोग अपना माइक म्यूट कीजिए प्लीज। सर आप बोलिए, लीलाधर जी कैरी ऑन प्लीज। अच्छा जी, सर मैं ये कहना चाह रहा था कि भाषाओं के बारे में दंडी ने एक बात कही है, वो बड़ी महत्वपूर्ण है। कवि दंडी, दंडी ने कहा है कि भाषाएं जो हैं, अगर ध्वनि न हो तो भाषा का कोई मतलब ही नहीं है। ध्वनि से तात्पर्य उनका दो तरह से है। एक तात्पर्य तो है उनका कि आवाज, अगर आवाज ना हो तो शब्द हो ही नहीं सकता। और एक तात्पर्य उनका यह है कि अगर आवाज है तो जरूरी नहीं है कि वह शब्द भी हो, जैसे वह उस तरह का शब्द हो जो भाषा का शब्द होता है। यानी जब पत्ते खड़खड़ाते हैं हवा से तो वो पत्ते खड़खड़ाते, पत्ते खड़खड़ाते हैं, ये दो शब्द हमने बना लिए। लेकिन पत्ते जो खड़खड़ाए थे वो तो एक ऐसी क्रिया है जो निशब्द भी मनुष्य ने निशब्द देखी और शब्द सुने, ध्वनि सुनी उसने, सिर्फ उनकी, उनके खड़खड़ाने की ध्वनि सुनी और उसको अपने भाषा में कह दिया कि ये पत्ते खड़खड़ा रहे थे। पत्ते तो हिल रहे थे और पत्ते अपने को बचाने की कोशिश कर रहे थे कि हम, मैं टूट ना जाऊं, मैं उड़ ना जाऊं, मैं चला ना जाऊं, वगैरह वगैरह। ये अपना वृक्ष का और पत्ते का अपना संघर्ष है। लेकिन उन्होंने कहा कि देखिए कैसे बनती है, ये कहना पर्याप्त तो नहीं है कि बारिश हो रही है, ये कहना पर्याप्त तो नहीं है। अगर बारिश हो रही है और मैंने ये कह दिया कि बारिश हो रही है तो ये पर्याप्त तो नहीं है। कभी के जहन में ये है कि इसको कैसे कहा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बारिश हो रही है ये पर्याप्त नहीं है, अर्थात ताड़ेशु तीव्रम विटपेशु मंद्रम शिलाशु रुक्षम सलिलेशु तंडम। कहा कि ताड़ के वन में बारिश हो रही है, ताड़ वृक्षों के, ताड़ वृक्ष चौड़े पत्ते वाले वो से कम लोड़े ऊंचे होते हैं, खजूर जैसे ताड़ के पेड़ होते हैं, उनके पत्ते चौड़े नहीं होते, तो उनके पत्तों की जो पतलापन है उसके बीच में से जो पानी छनके और छनता टकराता है और उसकी जो आवाज है वो भिन्न तरह की आवाज है। वो बारिश, सामान्य बारिश के जो सुनते हैं छत पे गिरने वाली बारिश और ताड़ के पेड़ पर गिरने वाली बारिश की आवाज में अंतर है। वो तो कहते हैं ताड़ेशु तीव्रम बिटपेशु मंद्रम, ताड़ वृक्ष पर हो रही है इसलिए मैं कह रहा हूं कि बारिश यहां नहीं हो रही है, ताड़ वृक्ष पे हो रही है क्योंकि तीव्र ध्वनि आ रही है और अब यह बारिश आ गई है चौड़े पत्ते वाले जंगल तक आ गई है। चौड़े पत्तों वाले जंगल में ताड़ेशु तीव्रम बिटपेशु मंद्रम, अब बिटप शब्द का इस्तेमाल किया है वृक्ष के लिए, ताड़ के लिए बिटप नहीं कहा, बिटप वृक्ष के लिए कहा और कहा कि उस जो चौड़े पत्ते वाले जंगल हैं वो शुरू हो गए, अब वहां बारिश आ गई है, उसकी ध्वनि बदल गई है और मंद्र मंद्र आवाज सुनाई दे रही है। विटपेशु मंद्रम सलिलेशु तंडम, और ये बारिश वहां पहुंच गई है जहां पहले से गड्ढे भरे हुए हैं और पानी भरा हुआ है और पानी में पानी गिर रहा है।
तो पानी में पानी गिरने से आवाज बदल गई। तो विटपेशु मंद्रम तालेशु तीव्रम विटपेशु मंद्रम सरलेशु तंडम, पानी में तांडव नृत्य हो रहा है जब बूंदें गिर रही है, तो तंडम कह रहे हैं उसको कि वो तांडव नृत्य हो रहा है। लेकिन एक बहुत अच्छा शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया कि जब पत्थरों पर बारिश होती है, जब चट्टान पर बारिश होती है, तो उन्होंने कहा कि वो शिलाशु रुक्षम, शिलाओं पर रूखी रूखी बारिश हो रही है। अब ये जो रूखा रूखा बारिश, बारिश के साथ रूखे का क्या मतलब, बारिश तो भिगो ही देती है, लेकिन वो कह रहे हैं कि चट्टान भी इतनी बड़ी है, पत्थर भी इतने पड़े हुए हैं, बहुत प्यासे हैं और वो जल्द रहे हैं पानी को, तो इसलिए शिला अशुरुक्षम, शिला पर तो रूखी रूखी बारिश हो रही है जो पथरीला इलाका है। और फिर कहा कि संगीत वीणा इवताड़े मानह तालानुसारेण पतंती धारा, संगीत वीणा पर जैसे किसी ने तार पर हाथ लगा दिया हो, उसकी आवाज की तरह ताल के अनुसार गिर रही है धाराएं, धाराएं बेताली नहीं गिर रही हैं, ताल के अनुसार गिर रही हैं, और ताल में भी नहीं गिर रही हैं, ताल में ही नहीं गिर रही हैं, बल्कि ताल के अनुसार गिर रही हैं। ये जो उन्होंने श्लेष पैदा किया है भाषा में कविता के सौंदर्य प्रकट करने के लिए, ये एक अद्भुत करिश्माई भाषा पर हमारे यहाँ काम हुआ है, हमारे यहाँ भाषा पर सबसे ज्यादा काम हुआ है, और खास करके बोली हुई भाषा के बाद, वेदों के बाद जब अक्षर पैदा हुए होंगे, लिखे जाने का कोई रिवाज नहीं था वेदों, वेद काल में लिखने पर की पाबंदी का पता एक जगह लगता है जहां ये कहा गया है कि वेद को लिखित नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, लिखना नहीं चाहिए। इसका मतलब उनके जमाने में या उनकी पहुंच, जहां तक वेद की पहुंच हो पाई थी समाज में, वहां अक्षर आ गए थे, अक्षर आ गए थे, और उसमें निषेध है कि लिखा हुआ वेद नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि लिखे हुए वेद का कोई भरोसा नहीं है, श्रुति वेद पढ़ना चाहिए, यानी सुना हुआ वेद जो है वही काम का है, लिखा हुआ वेद काम का नहीं है। ये जो निषेध है ये सिर्फ इस बात की आहट देता है कि लिपि आ गई होगी तब ये मुहावरा बना। बहुत से लोग कहते हैं कि साहब वो वेदों ने तो कहा है कि स्त्रियां वेद ना पढ़े, फलां वेद ना पढ़े, स्त्रियां से अभिप्राय उनका ये था कोई भी अशिक्षित व्यक्ति वेद न पढ़े, क्योंकि जब तक वो श्रुति से शिक्षित नहीं होता, श्रुति से शिक्षित होना उनके जमाने में क्वालिटी थी, हमारे जमाने में वो क्वालिटी नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि लिखने का जब आविर्भाव हुआ, लिपि जब आई, तो बहुत करिश्मा हो गया, पूरी दुनिया में शायद करिश्मा हुआ होगा, लेकिन हमारे यहाँ सबसे पहले हुआ। सबसे पहले इस अर्थ में कह रहा हूं मैं कि ब्राह्मी लिपि आई। ब्राह्मी लिपि में जो अ हम देखते हैं ब्राह्मी लिपि में, वो सुनाई दे रहा है सर, सुनाई दे रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है? जी जी, पूरी तरह से सुनाई दे रहा है सर, सुनाई दे रहा है सर, आप कंटिन्यू करो, आप कंटिन्यू कीजिए। हाँ, तो जो मैं ये कह रहा था कि जो अ है वो पहले ऐसे लिखा जाता था, ऐसे लिखा जाता था, अगर ये आपको दिखाई दे रहा हो तो, मुझे नहीं मालूम कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि नहीं, वो प पर तीन तीन पाखड़े तीन डंडे मारते थे तब अ बनता था। उसी का एक सुधरा हुआ परिमार्जित रूप है आज का अ जो हम लिखते हैं। और इस अ को लेकर के प्रथमाक्षर भी माना गया है इसे, लेकिन प्रथमाक्षर आध्यात्म में और तंत्र मंत्र विद्या में ओम को मानते हैं। ओम की खूबी यह है कि वो गले से नाक से दोनों जगह से बोला जाता है एक साथ, और आ की डिसिप्लिन यह है कि वो कंठ से बोला जाता है। तो अ से शुरू होने वाले अक्षर दुनिया में अलिफ हो चाहे ए हो चाहे अ, एक आदि अक्षर है। अ जो है उस पर जब रेमिंगटन का टाइपराइटर आया भारतवर्ष में
तो एक सबसे बड़ा संकट आया, सबसे बड़ा संकट ये आया कि साहब अंग्रेजी में ही टाइप होता है, हिंदी में तो टाइप होता नहीं, तो टाइपराइटर बना ही नहीं था हिंदी में। ये प्रश्न उठाया गया कि हिंदी के टाइपराइटर में लगभग 96 अक्षर कीबोर्ड बनाना पड़ेगा, जो 96 के आसपास जाएगा। तो गांधी जी ने, विनोबा जी ने और काका कालेलकर ने एक सुझाव रखा अक्षर आयोग के सामने, और उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों ना किया जाए कि अ आ, और जब ई लिखे हम तो अ पर ही छोटी ई की मात्रा लगाएं, और जब बड़ी ई लिखे तो अ पर ही बड़ी ई की मात्रा लगाएं। मैं कागज पर इसलिए नहीं कि वो दिखाई नहीं देगा आपको, तो क्या फायदा उसको लिखने से, मैं सिर्फ हवा में ऐसे ही बता देता हूं कि अ पर छोटी ई के पीछे से, जैसे क पर की करते हैं तो छोटी ई की मात्रा लगाते हैं उसके पीछे, तो ऐसे ही अ पर छोटी ई की मात्रा लगाइए, और बड़ी ई लिखनी है तो उस पर बड़ी ई की मात्रा लगाइए, अक्षर आ ही रहेगा जैसे गुजराती में किया जाता है। जी जिस तरह गुजराती में किया जाता है, गुजराती में लिखते हैं, लेकिन ये बाद में कालांतर में ये हिंदी में भी किया गया, और हिंदी में कई पुस्तकें इसी टाइप में छपी। अगर आप उस आंदोलन के समय की बात की किताबें देखें तो उनमें यही छपा हुआ है, यही अ पर उ, अ पर ही उ की मात्रा है, और उ बड़ी उ की मात्रा, ओ में तो उनको कठिनाई नहीं हुई क्योंकि अ पर ही मात्रा लग जाती है, तो बस उ तक उनको दिक्कत थी कि ई उ को कैसे, आ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, बस ई और उ में दिक्कत थी कि साहब अलग से सीखना पड़ता है। फिर उन्होंने कहा कि भाई देखिए एक चीज और हो सकती है कि आप व्यंजनों में भी कुछ व्यंजन खत्म करिए। तो एक डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल हुए हैं बीएचयू से, उन्होंने वो पीएचडी की थी, पीएचडी तो नहीं, डिफिल किया था उन्होंने कबीर पर, स्कूल ऑफ निर्गुण पोएट्री करके उनके उनकी किताब, अगर मुझे गलत याद नहीं है तो स्कूल ऑफ निर्गुण पोएट्री है, उसमें उन्होंने कहा कि जो जो त्र और ज्ञ है वर्णमाला में अंतिम, यहाँ जो हिंदी में हिंदी का जो अंतिम वर्ण है वो ज्ञ है और त्र है, ये दो तो वर्ण है ही नहीं, ये तो त और र का संयुक्त अक्षर है, त के नीचे र की मात्रा लगा दो तो त्र हो जाएगा, आपने उसको सुंदर बनाने के लिए थोड़ा काट दिया है कि उसका जो लंबा पोर्शन पाखड़ा नीचे गिरता है उसको हटा दिया है। गया जो है ग और य का संयोग है, और ठीक है आप उसको य से भी जोड़ते हैं कुछ लोग तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये जो उन्होंने बताया तो दो अक्षर तो यही कम हो गए कीबोर्ड में कि इसको हटा दीजिए, आप ज्ञान लिखते हैं जैसे आप 11 लिखते हैं वैसे ज्ञान भी लिख दीजिए, 11 में तो नहीं आप ज्ञान ज्ञान का ज्ञा इस्तेमाल करते हैं, 11 लिखने के लिए भी हमें अगर ज्ञा लगा के ज्ञान वाला ज्ञा लगा के 11 लिखूं तो पारंपरिक विद्वान तो कहेगा कि तो गलत हो गया, लेकिन जो साइंटिफिकली सोचेगा तो कहेगा कि ठीक है ये, तो ये उन्होंने सुझाव दिया। दूसरा उन्होंने कहा कि देखिए अक्षर आयोग ने जब ये इसको मानने के लिए कहा तो संस्कृत वालों ने इसका विरोध किया, और संस्कृत वालों ने कहा कि फिर तो पाणिनि का सारा व्याकरण ही गड़बड़ हो जाएगा, वहां तो आई पर ई नहीं चल सकता, वो तो अलग पृथक पृथक ही होना चाहिए, नहीं तो इको एणच सूत्र तो बेकार हो जाएगा, इक के स्थान में यण तो इक कहाँ से है, वो तो अक हो जाएगा, ये हो जाएगा, इत्यादि इत्यादि कई उन्होंने प्रश्न उठाए। कहने का अभिप्राय ये है कि बहस चली और बहस अब भी चलनी चाहिए, और ये बहस बंद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसका परिणाम ये हुआ कि हिंदी में वर्णमाला में सुधार हुआ। सुधार कहाँ कहाँ हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। एक तो 1960 के बाद का एक सुधार है जिसका मैं खुद स्वयं गवाह हूँ, और इसका श्रेय जाता है धर्म को, धर्मवीर भारती को। वो ध और घ, घर है कि धर है ये कुछ पता ही नहीं लगता, पंक्ति दे देते थे, पंक्ति हटा दो तो ध है,
और लगा दो तो घ है। अगर मैं पंक्ति बिना, आजकल तो बहुत सारे लोग पंक्ति देते ही नहीं, सीधे लिख देते हैं, तो कैसे पढ़ेंगे उसको। तो ये बड़ा अच्छा सजेशन आया था कि घुंडी बना दी ध की, और तब से ध आ गए, तो इससे क्या बिगड़ गया, वर्णमाला सुधर गई ना। ऐसे ही प्राचीन ण जो था वो बड़ा कठिन था, वो र के आगे दो डंडे लगते थे तब ण होता, और उसको छोटा बनाया गया, उस र को और एक डंडे को मिला के गोल कर दिया गया और एक डंडा रहने दिया और ण बन गया, जो आज हम देखते हैं कल्याण में, करुणा में, कर्ण में जो ण हम लगाते हैं छोटा सा, तो बड़ा अच्छा हो गया, बड़ा सुंदर हो गया। पहले र और उसकी भ्रांति हो जाती थी उसमें। इसी तरीके से अब जो प्रश्न आता है वो ये आता है कि देवनागरी का जो सौंदर्य बनाया वो केवल अक्षर बना के ही सौंदर्य नहीं बना है, उसमें जो प्रथम अक्षर है पांच वर्णों में, पांच पांच वर्णों का एक परिवार है कवर्ग, और कवर्ग चवर्ग और टवर्ग और तवर्ग और पवर्ग, ये पांच वर्ग हैं पांच पांच अक्षरों के, उनके अनुनासिक भी उनके पंचम वर्ण है, पंचम वर्ण उनका अनुनासिक वर्ण बन जाता है, उनकी बिंदी बन जाता है। वो परंपरा अब खत्म हो गई है कंप्यूटर की वजह से, तो कोई बात नहीं, उसे हम सहन कर लेंगे और उसे हम अपने हिसाब से जब हम पढ़ते हैं तो हम उसके सहित पढ़ते हैं। वहां गांव लगा के, गंगा में पहले गांव लगता था, वो गंगा सीधे बिंदी लगा के नहीं लिखा जाता था, वो गांव लगता था, उसका पंचम वर्ण है क ख ग घ ग, तो पांचवा बिंदी भी तय है कि इनके ऊपर ये बिंदी लगेगी, इसके बाद ये लगेगी। कहने का अभिप्राय ये है कि ख जो है वो आज भी एक अपरिमार्जित अक्षर है, र और व के संयोग से होता है। अब उसको थोड़ा सा मिटाने के लिए, उसका दोष मिटाने के लिए उसका नीचे का पाखड़ा डंडे से मिला दिया गया है, तो वो अब ख का पूर्णता के लिए वो रख लिया गया है, ये पर्याप्त नहीं। मेरा सिर्फ आशा ये है कि अभी बात नहीं हो सकती, अभी बात नहीं हो सकती। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि ख में सुधार की आवश्यकता है और झ में सुधार की आवश्यकता है। क के क ख ग घ ग ग और घ में क की अनुकृति है, क का पूरा डीएनए है दो अक्षरों में, पर ख में क का डीएनए नहीं है। ख के लिए मैंने सुझाव दिया था और जनसत्ता में छोटा सा एक लेख भी छपा था कि ख को सिर्फ ऐसा कर दें, सिर्फ ऐसा कर दें, यानी जिसको कहेंगे कि अगर दिखाई दे रहा हो आपको, तो जो र है उस र को पीछे वो जो वो बीच में लगाते हैं उसकी कमर पे दे दें, र की कमर पर दे दें उसको। और जैसे हमको ख्वाब लिखना है तो हम यूं लिख सकते हैं कि ख्वाब माने क जो है आधा क बना सकते हैं, ख भी आधा बना सकते हैं, ख आधा बनाना बड़ा मुश्किल होता है ना, तो ख आधा बना सकते हैं अगर हम ऐसा क ढाल दें जैसा मैं बता रहा हूँ कि र की कमर पर वो उठा हुआ रहे। तो इसी तरह से झ, च और छ और ज में उसका डीएनए है च का, च दो बार च लिखो तो छ बन जाता है, आकृति में भी च को उल्टा करो तो ज बन जाता है, और च को थोड़ा सा आगे से गोल कर दो तो य बन जाता है, पांचवा अक्षर भी उसका। झ क्यों क्यों नहीं बनता उससे, झ भी तो बनना चाहिए। तो झ जो है ई पर जो स्ट्रोक मार के एक ब्रिज बनाते हैं और तब खंभा खड़ा करते हैं, वो झ तो उस परिवार का है ही नहीं, उसका परिवार का डीएनए नहीं है उसमें, इसलिए झ के अक्षर को परिवर्तित करने की आवश्यकता है, हिंदी में नया टाइप ढालना पड़ेगा, और वो बहुत सरल है,
वो तो इतना सरल है कि उसके लिए तो कोई बहुत बड़ा दिमागी काम करना ही नहीं है। उसमें मेरा सुझाव जो है वो इतना सरल सुझाव है कि अगर अक्षर आयोग इसे सुन रहा हो, देख रहा हो या कहीं उसकी भनक पड़ जाए, तो मैं उसका नमूना आपको बता दे रहा हूँ। ज लिखिए सिर्फ, उस पर एक स्ट्रोक मार दीजिए, एक स्ट्रोक मार दीजिए ज पर, ज पर एक कुछ अगर दिखा हो आपको तो, है ना, ज के आगे एक स्ट्रोक मार दीजिए, जो आप कॉ पे लगाते हैं वो वैसा एक स्ट्रोक मारिए उस पर, तो ज ही झ हो जाएगा। तो अलग से भी कोई अक्षर नहीं सिखाना पड़ेगा, ज से ही झ बन जाता है, जैसे अ से आ बन जाता है वैसे ज से झ बन जाएगा। तो ये इस तरीके से देवनागरी में अभी बहुत सारे संशोधन भी होने बाकी हैं, बहुत सारे नहीं तो कम से कम ये दो तो प्रस्तावित हैं कि ये दो सुधार होने चाहिए, क में ख का झगड़ा और ख की खराबी और झ का झगड़ा, ये दोनों मिट जाने चाहिए। ये कैसे मिटेंगे, ये उसका आकार ढालना पड़ेगा, उसका डीएनए देखना पड़ेगा। और इसके बाद मित्रों मैं ये कहूं कि भारत में केवल शब्दों और उसके अर्थों को ही नहीं, उनकी ध्वनियों को भी समझा जाता था और पढ़ा जाता था, और ध्वनियों को पढ़ना बहुत मुश्किल काम है, उनके तात्पर्यों का उत्खनन करना एक बहुत बड़ी शिक्षा का एक हिस्सा था। जिन्हें हम बारह खड़ी कहते हैं, वो बारह स्वर जो हैं उनसे बारह खड़ी बना, और जैसे कि उन्होंने कहा कि वो खड़ी बोली, जो खड़ी बोली ये खड़े डंडे वाली बोली के रूप में व्यंग्य था खड़ी बोली पर, तो खड़ी बोली माने डंडा छाप बोली जिसमें डंडे ही डंडे लगते हैं, है ना, ये व्यंग्य में कहा गया था खड़ी बोली। और फिर इस को लोगों, मेरा कहना यह है कि भाई डंडा तो गन्ने में भी होता है, तो ऐसे भी डंडे होते हैं जो बड़े सर रसीले होते हैं, बड़े रसदार होते हैं, तो डंडे को केवल नीरस ही समझना, अगर डंडा सूखा हुआ ना हो, हरा डंडा हो तो उसमें से भी रस निकलता है। तो ये जो खड़ी बोली थी ये तो खड़ी हो गई अपने दम पे, ये तो पूरे दम से खड़ी हो गई है, और जो इसके अंदर लालित्य ढूंढ रहे थे वो लालित्य को केवल लहजे में ढूंढ रहे थे, वो लालित्य को शब्दों की बनावट और शब्दों के अभिप्राय में नहीं ढूंढ रहे थे। लालित्य तो हिंदी में बहुत जबरदस्त है, लालित्य की कोई कमी नहीं है हिंदी में, हिंदी शब्दावली में, और भारतीय भाषाओं की शब्दावली में लालित्य तो, ग्रामीण लालित्य एक अलग किस्म का लालित्य है, तो लालित्य को केवल सरस में ही देखना, नीरस में भी लालित्य होता है। बाण भट्ट ने अपने बेटों से कहा था ना मरते समय कि मैं मरने जा रहा हूं तो मेरी कादंबरी अधूरी है, इसको कौन पूरा करेगा। तो तीन बेटे थे, तीनों बेटों को बुलाया और कहा कि वैसे ही रसदार भाषा बताओ, मैं एक वाक्य बताता हूं तुम्हें, और वाक्य था कि सूखा पेड़ सामने खड़ा है, इसकी संस्कृत भाषा में अपना प्रकट करो इस भाव को। तो बड़े लड़का, उनका बड़ा विद्वान था, उसने जैसा कहा छोटे बेटे ने भी वही कहा। बड़े बेटे ने कहा कि शुष्को वृक्ष तिष्ठत्यग्रे, बलराम जी शायद संस्कृत से ज्यादा ताल्लुक रखते हैं तो समझ रहे होंगे, शुष्को वृक्ष तिष्ठत्यग्रे, सूखा पेड़ सामने खड़ा है। और सबसे छोटे बेटे ने जो कहा, बीच वाले बेटे ने भी कहा, मझले बेटे ने, कि भाई साहब तो बहुत पढ़े लिखे, मैं भी यही वाक्य कह देता हूं, मैं दूसरा क्या वाक्य बोलूं। तीसरे बेटे ने कहा कि नीरस तरु रिह विलसति पुरतः, नीरस तरु यह सामने विराजमान हो रहा है, नीरस तरु रिह विलसति पुरतः, ये कहा उसने। तो उनको, बाणभट्ट को तो बहुत पसंद आए, उन्होंने कहा तू करेगा इसको पूरा। बाणभट्ट की कादंबरी जब आप पढ़ते हैं तो, जब आप बाणभट्ट को पढ़ते हैं और उस बेटे का लिखा हुआ हिस्सा पढ़ते हैं,
तो आप स्वयं निर्णय कर सकते हैं कि कैसी है वो भाषा और कैसी है वो भाषा। उसमें भाषा तो है पर वो चातुर्य नहीं है कथ्य का जो चातुर्य बाणभट्ट में था। अब ये प्रश्न एक बार मैथिली शरणगुप्त के छोटे भाई सियाराम शरणगुप्त के सामने भी रखा गया। उन्होंने एक बहुत मजेदार बात कही। उन्होंने कहा कि अगर नंबर देने की बात होती, जो कि हम अध्यापक लोग देते रहते हैं बच्चों को नंबर, तो मैं छोटे बेटे को बिल्कुल नंबर न देता, मैं तो जीरो देता, और बड़े बेटे को मैं ज्यादा नंबर देता। तो उसने पत्रकार ने पूछा कि भाई क्यों? तो उन्होंने कहा भाई मैं इसलिए देता बड़े को क्योंकि वो यथार्थवादी अनुवाद है। उसमें कहा गया कि शुष्को वृक्ष तिष्ठत्यग्रे, सूखा पेड़ सामने खड़ा है, ये बिल्कुल यथार्थ ध्वनि है, यथार्थ वर्णन है, और बिल्कुल जस का तस उसने खड़ा कर दिया उस पेड़ को, शुष्को वृक्ष तिष्ठत्यग्रे। लेकिन ये जो बेटा है तीसरा, ये उसको कह रहा है कि नीरस तरु रिह विलसति पुरतः, इसमें आपको जो भी लावण्य लग रहा हो, लेकिन मुझे तो इसमें ये लग रहा है कि किसी मुर्दे को सजा दिया जा रहा है। एक मुर्दा है, उसको आप झंडी से, फूलों से और अच्छे अच्छे कपड़े पहना के विदा कर रहे हैं। नीरस तरुरी है विलसति पुरतः, ये तो मुर्दे की साज सज्जा है। ये साहित्य में ऐसा नहीं चलेगा। साहित्य में तो यथार्थ का अलग अलग भूमिका होती है, और यथार्थ भी होना चाहिए, कल्पना भी होनी चाहिए, लेकिन यथार्थ से कटा हुआ नहीं होना चाहिए। तो ये जो दृष्टिकोण है कि कैसे भाषा को निर्मित करना है, कैसे भाषा को साहित्य भाषा बनाना है, ये द्वंद्व बहुत पहले से यहाँ चलता रहा है। और उन्होंने कहा कि लिपि जो है वो जब पहले नहीं थी, जब बनी लिपि, तो आज तक लिपि में जो थोड़ी बहुत त्रुटियां रह गई हैं, उसके बावजूद इस लिपि का जवाब नहीं है। पूरी दुनिया की लिपियों की प्रतियोगिता अगर करा दी जाए, अगर पूरी दुनिया की लिपियों की प्रतियोगिता करा दी जाए कि कौन सी लिपि साइंटिफिक है पूरी दुनिया की लिपियों में, और बोला जाए, डिक्टेशन दिया जाए, और ध्वनियों को अविकल लिखा जाए, ध्वनियों का उच्चारण भी संरक्षित रहे उसमें लिखे हुए में, जो बोला जाए वही लिखा जाए, जो लिखा जाए वही बोला जाए, तो केवल देवनागरी के अलावा दूसरी कोई लिपि काम नहीं आ सकती। और देवनागरी का इसलिए जवाब नहीं है क्योंकि इसने भारत की अनेक भाषाओं को, जिनको प्रांतीय बोलियां कहते हैं, जिनको जिले की भाषा कहते हैं, जिनको घाटी की भाषा कहते हैं, जिनको माटी की भाषा कहते हैं, उन भाषाओं को लिपि दी है इसने। आज हमारे गढ़वाली किसमें लिखी जाती है? देवनागरी में। कुमाऊनी देवनागरी में लिखी जाती है, नेपाली देवनागरी में लिखी जाती है, राजस्थानी देवनागरी में लिखी जाती है, छत्तीसगढ़ी देवनागरी में लिखी जाती है, मराठी देवनागरी में लिखी जाती है। इस देश का एक गलती जरूर हुई है, वो उस समय अनिवार्यता भी रही होगी, प्रांतों के नाम भाषावार नहीं रखने चाहिए थे। आप नदियों के नाम से रखते, भौगोलिक नाम रखते, लेकिन आप भाषा के नाम से नहीं रखना चाहिए था। जैसे राजस्थान का नाम अगर कुछ लोगों ने कहा कि मारवाड़ी है वहां की भाषा, तो फिर तो मारवाड़ी होना चाहिए था भाषा के अनुसार। जैसे आपने आंध्र और या तमिल, और जैसे आपने महाराष्ट्र को माने मराठी, मराठी की वजह से भाषाओं से नाम नहीं रखे जाते तो अच्छा था, क्योंकि ये भाषा वैविध्य वाला देश है, इसलिए भाषा की विविधताओं का सम्मान होना चाहिए, उनके उनमें काम होना चाहिए, उनका नाम तो काम से होगा। केवल प्रांत का नाम भाषा के नाम से होने से कोई भाषा नहीं सीख रहा, कोई भाषा नहीं जान रहा, इससे क्या लाभ है? तो एक ये भी मैं सोचता हूँ कि विचारणीय विषय है। और जैसे JNU में है तो देखिए, हॉस्टलों के नाम नदियों पर है, बहुत सुंदर नाम, नदियों के नाम से भी रखे जा सकते थे प्रांतों के नाम। गांगेय प्रदेश जैसे महाभारत में कहा जाता है, जहां जहां से गंगा गुजरती है उसके लिए गांगेय प्रदेश कहा जाता है, तो नदियों से रखते थे तो क्या बुराई थी? लेकिन नई भाषाओं से रखा तो भाषाओं ने लड़ना सीख लिया, आपस में लड़ते रहती हैं भाषाएं। तो भाषाओं की लड़ाई भी बंद होनी चाहिए, और भाषाओं के सौंदर्य को नष्ट नहीं होना चाहिए। भाषा और बोलियों को बचाना भी जरूरी है, उनको जितना लिटरेचर बचा सकता है और कौन बचा सकता है।
उनको लिपि चाहिए तो लिपि देवनागरी मौजूद है, जिसके पास लिपि है वो अपनी लिपि में लिखे। लेकिन इस कुंठा से भी भरी हुई हैं कुछ भाषाएं कि हमारी लिपि अपूर्ण है। पंजाबी भाइयों से जब मैं बात करता हूं तो वो खुद कहते हैं कि हमें अपनी लिपि से संतोष नहीं है, पर पंजाबी में फ्लो बहुत अच्छा है, बोली बहुत अच्छी जाती है। राजस्थानी में भी यही है, राजस्थानी ने तो देवनागरी लिपि अपना ली। गुजराती भी अपनी टूटी फूटी लिपि से काम चला रहे हैं, वो लिपि बहुत दोषपूर्ण और त्रुटिपूर्ण है, बहुत परिपूर्ण लिपि नहीं है वो। बांग्ला भी लिपि के स्तर पर 80% ही खरी उतरेगी, 20% वहाँ भी घालमेल है। लेकिन जहाँ वो समृद्ध है वहाँ इसलिए है कि देवनागरी की प्रतिछाया उन्होंने ली, देवनागरी के अक्षरों की अनुकृति ली है उन्होंने, वहाँ वो सुदृढ़ हुई है। तो देवनागरी अभी भी भाषाओं का भला कर सकती है अगर हमारे अंदर कोई पूर्वग्रह न हो, अगर हमारे अंदर कोई किसी तरह का वैमनस्य न हो, तो देवनागरी अभी भी काम कर सकती है। दूसरा एक पॉइंट और था जो इस पर मैं बोलना चाहता था, वो ये कि जी जो 12 खड़ी है वो 12 स्वरों से बनी है, आ आ ई ई उ ए ऐ ओ औ अंग अ, ये 12 स्वर हैं। ये 12 स्वर ही सारे व्यंजनों को खड़ा करते हैं जब ये चले जाते हैं जिसमें। लेकिन एक चीज हम भूल जाते हैं कि एक स्वर और, वेद में तो दो स्वर हैं, रि और लृ। रि रि ये मूर्धन्य स्वर हैं और मूर्धन्य स्वर स्वर होते हैं, वो व्यंजन नहीं होते। लृ से तबलकारा वगैरह शब्द बनते हैं, वो एक अलग बात है, पर रि को तो हम नकार ही नहीं सकते। जो ऋषि में लगता है रि, वो ऋतु में भी वही लगता है। अब तो ऋतु रौसेल लगा देते हैं लोग ऋतु, वो ठीक है, शॉर्टकट है, यहाँ भी प्रयत्न लाघव है। पाणिनि ने कहा कि भाषा प्रयत्न लाघव से भी बढ़ती है, तो हम बढ़ा रहे हैं। जैसे कृपा में कृपा खड़ी नहीं, क खड़ा ही नहीं हो सकता था कृपा में अगर उसमें री ना हो नीचे, री ही स्वर है उसका। दृष्टि में री स्वर है, व्यंजन नहीं है री, द व्यंजन है लेकिन री उसमें स्वर मिला हुआ है तब वो दृष्टि है। तो सृष्टि दृष्टि वृष्टि, यहाँ री जो है स्वर का काम कर रहा है, व्यंजन का काम नहीं कर रहा। और जो रकार है, और वो दो प्रकार तीन प्रकार से लिखा जाता है देवनागरी में, सर्प में वो ऊपर चला जाता है, पराक्रम में वो नीचे आ जाता है, पराक्रम में क्रम क्रम क्रमशः लिखना हो तो नीचे आ जाता है, और क्रिया लिखनी हो तो भी नीचे आ जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि र के स्वरूप अलग हैं और री री जो मूर्धन्य ध्वनि है, ऋषि वाली ऋतु वाली, वो ध्वनि ऋतु रसाणा मूर्धा, उसके उच्चारण के लिए बाकायदा एक प्राविधान है पाणिनि व्याकरण में कि री वहां से बोली जाए और श मूर्धन्य श स श श। आज अध्यापकों में बहुत बड़ी, बेसिक स्कूल में बहुत बड़ी कमी महसूस की जाती है कि अध्यापक को तीनों तीन स बोलने नहीं आते, स श और श। तो थोड़ा सा बैक गियर में ले जानी पड़ेगी गाड़ी, स श और श। तो ऋषि इसमें दोनों पीछे के स्वर हैं, तो इसलिए री को हमने स्वरों में से हटा लिया है। ये हटाना नहीं चाहिए था, री को वहां सिखाना भी चाहिए और री को स्वर के रूप में बताना भी चाहिए कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ लगता है। और संस्कृत की सबसे बड़ी विशेषता उसकी वर्णमाला कैसे पाणिनि को उपलब्ध हुई। पाणिनि ने स्वयं नहीं कहा कि मैंने शंकर के डमरू से सुनी है ये, लेकिन पाणिनि के बारे में कहा जाता है कि नृत्यावसाने नटराज राजो ननादि टक्कम नव पंचवारम, नृत्य करते हुए शिव के डमरू का जब सम पर आया डमरू, जब संगीत में गायक जब स्वर और वादक जब सम पर आते हैं तो नीचे की ओर क्रमशः नीचे की ओर आते हैं और सम बिंदु पर पहुंचते हैं, वहां पर समापन करते हैं, सम पर समापन होता है। तो सम पर आने के लिए
और डमरू बजा रहे थे, नृत्य कर रहे थे। नृत्य रत शिव के डमरू के सम पर आते हुए बोलों को पाणिनि ने सुना, ये किंवदंती है, और उसके अनुसार 14 सूत्र बनाए जिससे अष्टाध्यायी बनी। वो 14 सूत्र कौन से हैं? वो है उनकी वर्णमाला। वर्णमाला क्या है वो मैं आपको सुनाता हूं। वो है ऐ उण, ये पहला सूत्र है, अ ई उ ण, रिल रिक, ए ओं, ऐ औच, हयवरट, लण, यमगणनम, झवय, घड़दस, घड़धस, जब गड़दस, दोनों में फर्क है, घड़धस, जब गड़दस, ख फ छ ठ थ च ट त व, ख फ छ ठ थ च ट, एक जगह ठ आया एक जगह ट आया, ख फ छ ठ ठ छ ठ थ च ट त व, एक सूत्र है। कपय, श स ष र ष ष र, और हल, ये 14वां सूत्र है। अब मैं इसको आपको उस तरंग में सुनाता हूं जिस तरंग में शिव ने डमरू बजाया होगा। ऐ उण रील रिक ए ओं ऐ औच हयवर टलण यम गणनम झभय गढ़ दस जब गढ़ दस ख प छट त चट तब कपय स स सर हल, ये सम पर आ गया। और हल में जो ल है, और सुनी होगी जिसको आई की तरह बोला है मैंने, आई उन रील लिखे ए उन ए औच हय वरट लण यम गणनम जब गढ़ दस जब गढ़ दस ख फ छ ठ थ च ट त व कपय श स सर हल, इसमें अ पहला अक्षर है, ल आखिरी अक्षर है, और इसी से अलम शब्द बना है, और अलम कहते हैं संस्कृत में बस। तो अब मैं भी बस कर रहा हूँ, इत्यलम, इत्यलम माने इतना बहुत है, और मैं समझता हूँ कि आप सब ने मुझे इतना सुना, सहारा और समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। फिर से परांजल साहब का स्मरण करता हूँ, और अन्य तमाम अध्येतागण सबको प्रणाम करता हूँ, और फिर कभी मुलाकात। धन्यवाद सर। मैं अपने सभी फेलो मित्रों की ओर से, प्रशासन की ओर से आपका हृदय से कृतज्ञ हूँ। हिंदी भाषा और लिपि पर बहुत सारी बातें कही, और खास बात ये कि सारे भारतीय भाषा परिदृश्य को ध्यान में रखकर कही, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दरअसल हमारी लड़ाई जो है वो अंग्रेजी के वर्चस्व से है। हिंदी भाषाओं में तो परस्पर सद्भाव और सहभाव होना भी चाहिए। मुझे लगता है कि बहुत विस्तार से आपने बहुत सारी बातें कही है। मैं अपने सभी देवता मित्रों से अनुरोध करता हूं कि वे अपनी जिज्ञासाएं एक एक कर सामने रखें, और मुझे लगता है कि बजाय, हाँ, सबसे पहले राज पे सर। हड़ा साहब, मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ। जी जी, आप कहें सर। हाँ सर, कहें। फिर आप प्रश्नोत्तरी का चलाइए। नहीं, ये तो मैं एक मंत्र मुग्ध हो गया, जिस तरह से लीलाधर जी ने बातें प्रस्तुत की, बहुत आनंद हुआ, मजा भी आया, और पाणिनि पे उनकी जो पकड़ है वो बहुत मजेदार है। मैंने भी 2-3 बारी अष्टाध्यायी पढ़ने की कोशिश की, लेकिन क्या कहें, मूर्ख मते जो हैं कुछ ठीक से अंदर घुसा नहीं, लेकिन वो बात दूसरी होगी, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ। मेरा प्रश्न सिर्फ एक है कि अब हम जब हिंदी के विस्तार की बात करते हैं, तो जो भाषा क्या कहेंगे स्पेशलिस्ट हैं, भाषा विशेषज्ञ हैं, उनका कहना है कि मैंडरिन और अंग्रेजी के बाद विश्व की तीसरी भाषा हिंदी है। वो इसको किस तरह से कहते हैं? वो कहते हैं कि सिर्फ हिंदी नहीं, हिंग्लिश जो भाषा है, यानी एक मिश्रित भाषा जिसमें हिंदी और अंग्रेजी के शब्द मिले जुले हैं, और इसकी दो लिपियां हैं। मैं लिपि पे ही आ रहा हूँ। एक तो है भाषा जो हिंदी में लिखी जाती है, और हिंदी यानी नागरी लिपि में लिखी जाती है, और उसमें कई अंग्रेजी शब्द शामिल हुए हैं।
एक तो वो भाषा है, और दूसरी भाषा है जो रोमन लिपि में लिखी जाती है, और लेकिन उसमें कई अंग्रेजी और हिंदी शब्द मिले जुले हैं। तो मेरी जिज्ञासा ये है कि क्या आप ये अंग्रेजी हिंदी के मिश्रण की जो भाषा है इंग्लिश, जो मानी जाती है कि विश्व की तीसरी सबसे बड़ी भाषा है, इसको कहते हैं 100 करोड़ से भी ज्यादा लोग इस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, और विज्ञापन में, हिंदी सिनेमा में वगैरह वगैरह, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ये भाषा इस्तेमाल हो रही है, तो ये रोमन लिपि में इस तरह की भाषा, आप इसके बारे में क्या कुछ कहेंगे सर? ये मेरा प्रश्न है, एक ही प्रश्न है, इसके बाद हाड़ा साहब इसको आगे ले जाएंगे, और अंत में मैं एक मिनट के लिए दोबारा आऊंगा। हाँ जी प्लीज, मैं म्यूट कर रहा हूँ अपने माइक को, मैं म्यूट कर रहा हूँ। वहां मैं यही कहना चाहता हूँ इस बारे में कि दुनिया की जो प्रथम नंबर की भाषा बताई जा रही है और द्वितीय और तृतीय नंबर की भाषाएं बताई जा रही हैं, वो जनसंख्या की संख्या के अनुसार बताई जा रही है, क्योंकि इतने भाषा भाषी जनसंख्या, जिसकी जनसंख्या ज्यादा है जिस भाषा की, उस भाषा को प्रथम मान लिया गया, और जनसंख्या जिसकी कम है उसको तृतीय या चतुर्थ मान लिया गया। तो मैं समझता हूँ इससे काम नहीं चलेगा, ये मानदंड ही गलत है। भाषा के लिए माओत्सेतुंग ने एक बहुत खतरनाक बात कही। माओत्सेतुंग तो चीन के थे और सभी जानते हैं कि एक रेवोल्यूशनरी नेता रहे हैं। माओत्सेतुंग ने कहा है कि मैंडरिन में, माने चीन की भाषा में, चीन की भाषा में विद्वान होना असंभव है। अच्छा, ये कोई आपको सो कॉल्ड, क्या कहूँ मैं, क्या शब्द इस्तेमाल करूँ, मार्क्सवादी शब्द इस्तेमाल करूँ या क्रांतिकारी शब्द इस्तेमाल करूँ या जो भी शब्द इस्तेमाल करूँ, कम पड़ता है। मैं ये कह रहा हूँ कि कोई व्यक्ति इस बात को बताएगा नहीं। उन्होंने कहा कि मैंडरिन में करीब करीब विद्वान होने के लिए, केवल सामान्य कोटि का विद्वान होने के लिए 45,000 कैरेक्टर का बोध होना चाहिए। अक्षरों में 45,000 कैरेक्टर, मैंडरिन जो है वो एक कैरेक्टर आधारित लिपि है, और 45,000 कैरेक्टर की बात कर रहा है। वो कह रहा है कि मैंने काम चलाऊ ढंग से इतना कर दिया है कि 4,000 तक मैं ले आया हूं, कि 4,000 कैरेक्टर्स कर लो तो तुम विद्वान हो जाओगे, पढ़ लिख लोगे, काम चल जाएगा तुम्हारा। सवाल यह है कि यहाँ तो 26 अक्षर रोमन में है, रोमन कहते हैं कि वो हमारे 26 हैं, लेकिन मैं उनको 52 मानता हूँ, क्योंकि स्मॉल लेटर अलग होते हैं और कैपिटल लेटर अलग होते हैं, उनकी बनावट अलग अलग है, उनको अलग अलग सीखना पड़ता है। कैपिटल से स्मॉल लेटर में सोचता था कि छोटा कर दिया आकार तो शायद स्मॉल हो जाता होगा, वो तो अलग सीखना पड़ता है स्मॉल लेटर, माने बी जो कैपिटल है वो अलग तरीके का है, स्मॉल बी अलग है, एच कैपिटल अलग है और स्मॉल एच अलग है। तो ये कहना कि साहब बड़े कीबोर्ड बड़े, देखिए 26 अक्षर है, क्या क्या बड़ी भारी बात, 26 अक्षर नहीं भाई साहब, 52 अक्षर है। तो 52 अक्षरों में, और यहाँ क्या है, यहाँ 12 अक्षर तो स्वर है और व्यंजन बैठते हैं सब मिला के 30 या थोड़ा 35 होंगे अगर उनको कैलकुलेट करें, उतना समय नहीं हमारे पास समय, ये सब मिला के 42 के आसपास बैठ, तो ये तो कम है, कीबोर्ड कम में बन जाता है। अब लोग ये आया फेसबुक में चलता है, ये टाइप वाइप कैसे चलता है, सब आ रहा है, अब कैसे बन गए, ऐसे बन सकता है, ऐसी डाली जा सकती है। लेकिन ये कहना कि लाओत्से बहुत बड़े ऋषि थे, ऐसे ऋषि हमारे यहाँ बहुत हुए हैं जिन्होंने रास्ते चलते बहुत सारी बातें कही हैं, लाओत्से मैं बहुत प्रशंसक हूँ, लाओत्से ने जो बातें कही हैं वो हमारे यहाँ एक झल्ला था हमारे गांव में, वो उसको लोग बुलाते थे और वो कुछ बोलता था तो उसको लोग बिल्कुल देवता की वाणी समझ के लेते थे। तो ये परंपरा चीन में थी कि ठीक है, एक पुराना जोगी अपना कुछ बोल रहा है तो इसको संग्रहित कर लो, इसको लिख लो, तो कितने बोला, मुश्किल से इतने कम वचन है वो। हमारे यहाँ तो दक्षिण में आप जाइए, वचनों की एक श्रृंखला है पूरी, हमारे यहाँ संतों की वाणी की एक श्रृंखला है उतना, लेकिन अक्षर क्या है, वही है 42 अक्षर,
वही है, मैंने आपको 14 सूत्र सुनाए पाणिनी के, वही वर्णमाला है संस्कृत की, पूरी वर्णमाला है वो 14 सूत्रों में, कितने अक्षर हैं गिने जा सकते हैं, वो उन्हीं को मल्टीप्लाई करते चलते हैं और उससे भाषा बन जाती है। मल्टीप्लिकेशन नहीं है मैंडरिन में, मैंडरिन में मल्टीप्लाई नहीं होता है, मैंडरिन में नया कैरेक्टर आ जाता है, आदमी जाता है इसके लिए पूरा एक चित्र बनाना पड़ेगा कि वो जा रहा है, जब आ रहा है तो वो पैर इधर होगा और जब जा रहा है तो वो पैर उधर होगा, तो ये तो बड़ा सिरदर्द है, इससे तो अच्छा कि आदमी कहीं ना जाए और कहीं से ना आए, क्योंकि इतना कष्ट, इतनी तकलीफ लिखने में हो जाए, क्या मैंडरिन को ये सरल भाषा समझ रहे हैं। माउत से तुमने खुद कहा है इस बात को कि 42,000 कैरेक्टर एक सामान्य कोटि के विद्वान होने के लिए याद होने चाहिए, तो बहुत असंभव बात है। रही बात रोमन की, रोमन जो है बहुत अच्छी लिपि है और कम अक्षर भी है उसमें, लेकिन सारी रोमन में एक ही उच्चारण नहीं है। रूस में एन को एन नहीं कहते, लिखते वो भी एन है, पर एन को हो सकता है कि वो पी कहते, वो कुछ और कहते हूं। जितने लोग रोमन लिखते हैं पहले तो उनका ये तय कर लिया जाए कि नॉलेज में के लगता है और बोलते तो उसको कनौलेज कहना चाहिए कि नॉलेज कहना चाहिए। नॉलेज है तो नॉलेज लिखो और नॉलेज ही बोलो, नॉलेज ही लिखो, लिखोगे तो कनौलेज, बोलोगे नॉलेज। तो ये जो रोमन का एक अंग्रेजी का जो दोष है कि क्यू लिखना है तो क्यू तो एक अक्षर से में लिखा जा सकता है, क्यू लिख दो, लेकिन अक्षरों की भी क्यू लगाने पड़ती है, क्यू यू ई तीन लिखने पड़ेंगे, तब तीन के बिना क्यू पूरी नहीं होगी। तो कहने का मतलब यह है कि इतनी दोषपूर्णता उसमें भी है, पर उसमें कम दोषपूर्णता है क्योंकि उसमें कम से कम चित्रलिपि तो नहीं बनानी पड़ती। जापानियों ने फिर भी अपने यहाँ अब नए संशोधन कर लिए, मुझे नहीं मालूम, उनके बारे में मैं ज्यादा नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैं जो देखता हूँ कि लिखते आप एच हैं और बोलते आप ह है, तो ये तो बिल्कुल सरासर प्रकृति के भी खिलाफ है और न्याय के भी खिलाफ है कि लिखूंगा मैं एच, लिखते समय मैं एच बोलूंगा, पढ़ते समय मैं ह बोलूंगा उसको, लेकिन हमारे यहाँ ये नहीं है। हमारे यहाँ ये है कि हाँ बोलेंगे तो हाँ ही लिखे, माँ बोलेंगे तो माँ ही लिखे। तो इस तरीके से एक डब्ल्यू वो बन जाता है, दूसरा वी वो बन जाता है, और ए जो है रोमन में यू भी बन जाता है, और सी जो है वो के और क्या क्या बन जाता है, और जी ज्योग्राफी में दो जी है और दो जी एक जो है एक गौ, इसका कोई नियम है? नियमबद्धता, जब एक जब आप कानून से समाज चला रहे हैं तो व्याकरण से कोई आप चलाएंगे लिपि को कि नहीं चलाएंगे, साइंटिफिक बनाएंगे कि नहीं उसको, उस पर एक साइंटिफिक बहस हुई कभी? हुई है, लेकिन लोग वो कहते हैं कि हम तो भाई ग्रीक से लैटिन से लेते हैं ना, हम वो जैसे यहाँ लोग कहते हैं वेद से लिया हमने, तो हर जगह अपनी रूढ़ियां हैं बचाव की। और देवनागरी लिपि में अंग्रेजी ज्यादा अच्छी लिखी जा सकती है, ये मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे लोग SMS में अंग्रेजी में हिंदी लिखते हैं, माफ कीजिएगा वो ठीक है, वो कहते हैं साहब हिंदी आ गई छा गई हिंदी, तो हिंदी ने अंग्रेजी का भी इस्तेमाल कर लिया, नहीं हिंदी का मतलब है देवनागरी लिपि, देवनागरी लिपि नहीं है तो हिंदी नहीं, और देवनागरी लिपि है तो हिंदी भी है और सारी भाषाएं हैं, शब्द की ध्वनि तो आए उसमें, वो एक्यूरेट तो हो, एक्यूरेसी नहीं है। तो रोमन में थोड़ी एक्यूरेसी की कमी लगती है मुझे, क्योंकि साइकोलॉजी कई शब्द हैं, आप तो अंग्रेजी विद्वान हैं, आपसे मैं अंग्रेजी शब्दों पर बहस नहीं करूंगा, पर यह है कि आप मुझसे ज्यादा जानते हैं, परांजपे साहब आपको क्या बताऊं कि कितने शब्द, आपको भी बहुत क्लेश हुआ होगा बहुत सारी जगहों पर कि ऐसा क्यों है कि वो साइलेंट अक्षर भी सिखाया जा रहा है, जब उसे साइलेंट रहना है तो लिखने में भी साइलेंट करवा दीजिए ना उसको, ठीक है ना उसको। तो अब है वो एक परंपरा होती है एक भाषा की, वो रीति रिवाज कैसे तोड़ा जाए, इतने इतने रेवोल्यूशनरी थिंकिंग आ गई है क्या पूरी दुनिया के भाषा भाषी लोगों में विज्ञान की भाषा बनाने के लिए? तो मैं यही कहना चाहूंगा। और आपने क्या पूछा सर? हेलो
आवाज नहीं जा रही। हेलो, ये मेरी आवाज नहीं जा रही ना? आपकी आवाज आ रही है सर? अच्छा आ रही है। आप तक जो मैंने सर, सर हमारे दूसरे फेलो मित्र हैं विक्रम कुलकर्णी जी, जी वो ये पूछ रहे हैं कि ब्राह्मी और देवनागरी लिपि में क्या कोई संबंध है? जी हाँ, अंतर संबंध है। बहुत सारे अक्षरों की बनावट जो है ब्राह्मी से ली गई है और अक्षरों को बनाते 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 यहाँ तक हम पहुंचे हैं और अक्षरों में अभी भी एक आध जो सुधार करने की गुंजाइश है मैंने उसकी चर्चा अभी तक की कि अभी भी है। और लिपि जो है वो गढ़ी गई है, बनाई गई है, तराशी गई है और उसको सुगम बनाने के लिए उसमें हर बार कुछ न कुछ सुधार हुआ है। छ जो अक्षर है, छ ऐसे ही नहीं आया, उसके दो डंडे और निकले रहते थे छ के, दो बार छ लिखना पड़ता है छ में, फिर उसको उसका सामने का डंडा मिटाया गया, फिर उसको मोड़ा गया, तो कितने साल लगे होंगे, हजारों साल के बाद लिपि का ये स्वरूप हमारे सामने आया। कोई भी लिपि एक दिन में नहीं बन सकती। सुबह सर आप कुछ पूछना चाहते थे, आपने कुछ लिखकर भी भेजा पर वो इधर उधर हो गया मेरे से, प्लीज सुबह सर। हेलो, हाँ आवाज आ रही है आपकी। एक मिनट में अपना सवाल देख लूं। सुनाई दे रहा है? जी जी सुनाई पड़ रहा है। वो पत्थर पे तराशना जैसे अशोक की ब्राह्मी हो या हाथ से लिखना हो पांडुलिपियों में या प्रिंट करना हो, इन सब के अनुरूप बदलता है ना? वो केवल एक सिद्धांत तक नहीं बदलता मगर वो माध्यम के कारण बदलता है। तो क्या कंप्यूटर और मोबाइल के उपयोग से लिपि के सरलीकरण की दिशा में कोई बदलाव आप देख पा रहे हैं? पहला एक सवाल है। दूसरा एक सवाल है, जैसे हिंदी में हम लिखते हैं कमला और कमल में, दोनों में बीच में पूरा माई लिखते हैं लेकिन उसका उच्चारण बदल जाता है। कमला में माँ में हलंत लग जाता है जबकि कमल में नहीं लगता है। तो लिपि या हिंदी भाषा की खासियत मानकर आप रहने देना चाहेंगे? नहीं सर, ऐसा है, आपने कमला और कमल में म आधा लगता है ऐसा तो नहीं होता है, दोनों में म पूरा लगता है। कमल में भी पूरा लगता है और कमला में भी कमला पूरा लगता है। उच्चारण जी, उच्चारण में सर, उच्चारण की बात कर रहे हैं। अच्छा उच्चारण, उच्चारण तो देखिए उच्चारण की महिमा तो बहुत अपार है, उसके लिए पाणिनि ने एक बहुत अच्छा व्यंग्य किया है। हर आदमी शॉर्टकट से काम चलाना चाहता है और शॉर्टकट में जाना चाहता है, इससे भाषा बनती भी है और बिगड़ती भी है। तो उच्चारण का तो प्रयत्न लाघव शब्द उन्होंने एक इडियम ही क्रिएट किया पाणिनि ने कि प्रयत्न में भी लाघव, वहां भी शॉर्टकट करो, प्रयत्न बोलने में प्रयत्न कम करना पड़े। जो इसका उदाहरण दिया उन्होंने, उन्होंने कहा कि सही शब्द तो विश्वामित्र है। ऋग्वेद में सूर्य का नाम है विश्वामित्र, मैं दुनिया का दोस्त, तो दुनिया का दोस्त सूर्य से बड़ा दोस्त कोई दुनिया में नहीं है, इसलिए उसका नाम विश्वामित्र है। लेकिन ऋषि का नाम विश्वामित्र हो गया, क्यों विश्वामित्र हो गया? क्योंकि वशिष्ठ और विश्वामित्र की बनती नहीं थी। अब विश्वामित्र जी से कहा गया कि इनको महर्षि मानो, ये कथा है ना? तो शब्दों पर कैसे असर पड़ता है जीवन की क्रियाओं का, वो मैं बता रहा हूं। ये कथा है कि उन्होंने कहा कि किसको आप ब्रह्मर्षि पद दिलाना चाहते हैं? उन्होंने कहा कि विश्वामित्र को दिलाना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा कि वो विश्वामित्र नहीं है, वो विश्वामित्र हैं। अब आप समझ रहे हैं, विश्वामित्र नहीं है, विश्व के मित्र नहीं है, विश्वामित्र है विश्व के अमित्र, विश्व अमित्र धन विश्वामित्र। तो विश्वामित्र का नाम विश्वामित्र हो गया और पाणिनि को सूत्र बनाना पड़ा कि कृपा पूर्वक इसको अमित्र के अर्थ में न लें, इसको मित्र के ही अर्थ में लिया जाए, क्योंकि ये विश्वामित्र विश्वामित्र ऋषि का नाम है और ये कतिपय किंवदंतियों द्वारा बिगाड़ा गया है, इसलिए इसको विश्वामित्र ही माना जाए, विश्वामित्र न माना जाए। पर बोलचाल में लोग बोलते हैं विश्वामित्र, तो विश्वामित्र विश्व का अमित्र है, अशुद्ध नहीं है, अर्थ है उसका, निरर्थक शब्द नहीं है, अर्थ है उसका, अर्थ है उसका विश्व का
अमित्र, और एक का अर्थ है विश्व का मित्र, विश्वमित्र विश्वामित्र, विश्वामित्र का अर्थ है विश्व का अमित्र। तो ये प्रयत्न लाघव है, ये हो जाता है। जैसे बहुत से लोग अब कृपया बोलते हैं, कृपया नहीं बोलते, कृपया करके, अब वो कृपया करके, अब मैं बहुत से एक्टरों को भी सुनता हूँ बोलते हुए। सर प्रोफेसर एस के चहल पूछ रहे हैं कि सदियों से हम लोग फारसी के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं हिंदी में, उस बारे में आप क्या सोचते हैं? नहीं, अच्छी बात है, जो हमारी भाषा के हिस्से बन गए हैं फारसी के शब्द, जो हमारे जीवन के हिस्से बन गए हैं, हमको अपनी डिक्शनरी में शामिल करना चाहिए, उनको उनको रखना चाहिए। हम, मैं तो इस बात के खिलाफ हूँ कि जो हिंदी साहित्य के इतिहास में मीर और गालिब का नाम हिंदी के कवि के रूप में लिखा जाना चाहिए था। हिंदी है उनकी कविता, उनकी कविता उर्दू, उर्दू हिंदी है, उर्दू वो भाषा है, उर्दू वो बोली है जो फारसी लिपि में लिखी जाती है, उर्दू वो हिंदी है जो फारसी लिपि में लिखी जाती है, वरना बोलने में क्या फर्क है। मिर्ज़ा गालिब ने कहा है कि नहीं कि इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई, दुख तो यहाँ का शब्द है, संस्कृत का शब्द है दुख, और विसर्ग भी लगाया है भाई, विसर्ग भी लगाया है दुख में, गालिब के दीवान में विसर्ग भी लगा हुआ है, दुख एक होता दुख एक होता दुख, माने उसके बीच में ह भी है आधा छिपा हुआ, विसर्ग जो है आधा ह है, तो वो भी लगाया हुआ है। कितना लैंग्वेज के प्रति एक डेमोक्रेटिक रवैया होना चाहिए ना हमारा, हमारा एक बिल्कुल बाकायदा ऐसा रवैया होना चाहिए कि अब आप देखिए, मैं दक्षिण भारत में गया, मैं तमिलनाडु गया, एक कॉलेज में फंक्शन था, अब उन्होंने कहा कि अब जगुड़ी जी का स्वागत करिए और इनको चिन्ह पट दीजिए, तो चिन्ह पट दे दिया उन्होंने, एक सिल्क वस्त्र मेरे कंधे पर डाला और ये जैसे सम्मान सूचक होता है वो किया। मैं सोचने लगा ये चिन्ह की स्मृति चिन्ह है या क्या क्या बनाए, लेकिन बाद में जाके पता लगा कि ये चिन्ह पट है, चीन से आया हुआ सिल्क वस्त्र, ये उस जमाने का शब्द है जब चीन से आता था सिल्क, और तब इसका नाम चीन पट था, और अब चिन्ह पट हो गया, और कहीं इसका नाम ची पट होगा, तो अब वो बड़ा मुश्किल है कि कहां से कैसे, पर ये मूलतः चीन की वजह से आया था, तो तब इसका नाम चीन पट था, चीन पट। तो भाषाएं भाई, शब्द तो ट्रैवल करते हैं, आदमी करे ना करे, शब्द तो इधर उधर जाते हैं, और उनको जाना चाहिए और वहीं बस जाना चाहिए शब्दों को, जहां जो जाते हैं उसी भाषा के साथ रहे, रमे रम जाए, बड़ी अच्छी बात है, मैं तो इस पक्ष में हूं। जी सर, और कोई मित्र पूछना चाहते हैं कुछ तो खुद ही पूछ लें। दाताराम पुरोहित जी नहीं हुआ? दाताराम जी आज कनेक्टेड नहीं दिख रहे हैं। नहीं, वो तो हाँ, ये अलका त्यागी मैम, डॉक्टर अलका त्यागी मैम कुछ पूछना चाहती हैं। जी जी, अलका जी जी। नमस्ते सर, बहुत ही सुंदर व्याख्यान था और इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ इतना इन्फॉर्मेशन मिली है। मैं भी सर थोड़ा थोड़ा संस्कृत व्याकरण हम लोग सीख रहे हैं बहुत साल से, तो मैं जानना चाहती थी, सवाल मैंने लिखा भी है कि जब ए और आई आता है तो मात्रा के समय, तो आई में हमें जैसे अगर क पे आई लगाना है तो उसमें दो घुंडियां लगेंगी, लेकिन अगर अकेले आ रहा है तो वो इस तरह से आता है, जैसे ऐनक लिखना है तो फिर वो ऐनक जाता है। अंग्रेजी की समस्या कर रहे हैं ना, अंग्रेजी का पूछ रहे हैं ना आप? नहीं सर, हिंदी में ही मैं कहना चाह रही हूँ कि जब अगर हिंदी में भी लिखें तो आई में जब दो मात्राएं हो जाती हैं, कहने को वो अपने अपनी लिपि जब आई लिखा जा रहा है, ऐनक लिखा जा रहा है, तो फिर एक ही मात्रा आती है ए के ऊपर, लेकिन अगर उसको क के ऊपर ले जाते हैं, व्यंजन के ऊपर ले जाते हैं, तो दो लगाना पड़ता है आई के लिए, और एक तरह से फिर मैं पहले तो मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं ये प्रश्न ही नहीं समझ पाया हूँ कि आई से आपका अभिप्राय क्या है, अंग्रेजी का आई आई या आया गया आई वाला हिंदी का आई? नहीं सर, ए आउ जो आपके महेश्वर सूत्र में आता है ना, हाँ, ए ओंग आई आउच, हाँ, तो
उस ए और उस आई की बात कर रही हूँ मैं, आई उड़ रील जी के ए ओम आई है वो तो आई पर दो मात्राएं नहीं लगती, वो एक मात्रा लगती है उसमें। और जब वो व्यंजन के ऊपर आता है तो दो लग जाती है। हाँ ठीक है, वो दो लग जाएंगी क्योंकि इसमें उसमें नियम है कि वृद्धि हो जाती है उसकी ध्वनि की। पहले तो ए ध्वनि एक दो, इसमें एक दो, और आई एक दो तीन, तो उसमें आई हो गया तो एक मात्रा बढ़ गई, एक मात्रा बढ़ी तो उसके ऊपर आई लग गया। लेकिन जब ए आई लिखेंगे, ए ही एक को जब आई बनाएंगे आप, ऐश्वर्य लिखेंगे, ऐश्वर्य जब आप ऐश्वर्य लिखेंगे तो ए के ऊपर एक ही मात्रा लगेगी, दो नहीं लगेंगे, दो नहीं लगेंगे, एक ही लगेगी ऐश्वर्य। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। यदि किसी का और कोई प्रश्न नहीं हो तो मैं सम्माननीय निदेशक जी से अनुरोध करूंगा कि वे उन्होंने कहा था कि वे अंत में कुछ कहना चाहेंगे। जी जी, मैं चाहता हूं कि हरा साहब, मैं चाहता हूं हमारे सेक्रेटरी साहब कर्नल तिवारी, जो खुद हिंदी के लेखक हैं, जी जी जी, मुझे आज पता चला है, वो कुछ कहें, स्पेशली एक हम कहेंगे उनसे विशेष तौर पे एक हमारा धन्यवाद जो वक्तव्य होता है वो उनकी तरफ से आए, और फिर राष्ट्रगान होगा, तो मैं उनको। हाँ जी तिवारी सर, पंखा बंद कर दिया यार। हाँ तिवारी सर, धन्यवाद निदेशक महोदय, सम्मानी लीलाधर जी और हमारे सभी अध्येतागण, मुझे बहुत हर्ष है कि मैं जबकि एक हिंदी भाषी प्रदेश से और हिंदी मीडियम से पढ़ा और बढ़ा काफी समय तक, तो बहुत सी ऐसी चीजें सुनने को समझने को पहली बार मिली, तो ये बात बिल्कुल चरितार्थ हुई कि देर इज नो एज टू लर्निंग। हमेशा वक्ताओं और विद्वानों का सानिध्य इस बात की आपको जरूर याद दिलाता रहता है कि आपको कितना कम पता है, और मुझे इस बात इसको मानने में कोई आपत्ति भी नहीं है। सिर्फ आपने इतनी गूढ़ और इतना जो कंपैरेटिव कि आपने अलग अलग भाषाओं और लिपियों और उनके सामंजस्य, उनकी यात्रा, उनका बसना, और इंग्लिश और फ्रेंच, उनके शब्दों का आपस में आदान प्रदान, और इनफैक्ट फ्रेंच के शब्दों का आपस में मिल जाना, ये एक बहुत बड़ी बात है, और मुझे लगता है कि ये बहुत सीखने और समझने वाली बात है कि भाषा को हम एक बंधन के रूप में या एक दूसरे को जोड़े हुए या जोड़ने के रूप में क्यों देखते हैं, जब शब्द एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते हैं, यात्रा करते हैं, तो वो वहाँ के बस जाते हैं, फिर वहाँ से कुछ न कुछ पीछे फीडबैक दे जाते हैं। तो मैं तो एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ, यांत्रिकी और विज्ञान से जुड़ा रहा हूँ, लेकिन हिंदी भाषा और ख़ास करके जब से मैं यहाँ पर संस्थान में आया हूँ, तो मुझे इस बात की बहुत संतुष्टि है कि अलग अलग विचारों से मुझे सुनने को समझने को मिला है। कितना सीख रहा हूँ वो तो बहुत बात की बात है, बट आपसे, और आज मैं बहुत प्रभावित हुआ आपके इस व्याख्यान से, धन्यवाद सर, आपने हमें हमारे संस्थान को और खास करके हिंदी दिवस के महत्वपूर्ण अवसर पर आज ये बताया कि हमारी हिंदी भाषा, क्योंकि मैं बहुत दूर दराज और बहुत सीमावर्ती क्षेत्रों में रहा हूँ, जहाँ पर हो सकता है कि भाषा ये भाषा न बोली जाती हो, लेकिन हिंदी भाषा के अलग अलग रूप और अलग अलग शब्दों को सीखने और सुनने को मिला। लद्दाख में आजकल जहाँ
कुछ लड़ाई झगड़े की बात चल रही है वहां पर रहा हूँ, लद्दाखी हिंदी समझने का, इसी तरह आसाम में असमिया हिंदी सुनने का, और अरुणाचल या आप नागालैंड की बात करें तो वहाँ नागा हिंदी की बात करने का, तो वो एक ऐसा सामंजस्य मिलता है कि दिल खुश हो जाता है। और मैं हमेशा इस चीज़ को बार बार कहता हूँ कि जो लोग ये बोलते हैं कि साहब हिंदी खतरे में है या भाषा खतरे में है या भाषा को, हम कहते हैं कि साहब भाषा तो देश के कोने कोने में, बस अलग अलग भाषाओं से मिल करके जुड़ करके उनके साथ चल करके हमारी हिंदी भाषा आगे बढ़ रही है। तो मुझे इसमें कुछ खराबी नहीं नज़र आती, मुझे तो लगता है कि ये तो एक सूत्र में पिरोने का एक बहुत अच्छा जरिया है, मैंने देखा है, और मुझे इस बात का संतोष भी है। सर आपने बहुत अच्छा व्याख्यान दिया, मैं सभी वक्तागणों अपने अध्येताओं का भी धन्यवाद देता हूँ कि वो थर्ड तक रहे और लगातार उन्होंने अपनी बात सर तक पहुंचाई, लीलाधर सर तक, और आपने अपने वो करें, मुझे उम्मीद है कि हम आगे भी इस तरह से जुड़ते रहेंगे और आपकी जो विद्वता है सर उसका लाभ उठाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सेक्रेटरी साहब थैंक यू सो मच, और मैं भी लीलाधर जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हार्दिक दिल से, और दोबारा आइए सर यहाँ वेबिनार के जरिए नहीं लेकिन वास्तव में यहाँ पे आइए, हिमाचल में आपका स्वागत है, और आपने बहुत आपका कीमती वक्त दिया हमें, उसके लिए मैं आभारी हूँ। और अब हम राष्ट्रगान करते हैं, उसके लिए मैं खड़ा हो जाता हूँ और हम लोग अपनी अपनी जगह खड़े हो जाएंगे, और हमारे सिस्टम एनालिस्ट ने एक बनाई है शायद इसकी, वो मैं इसको ऑन कीजिए। पंजाब सिंध गुजरात मराठा विंध्य हिमाचल गंगा उत्तर जल तब शुभना जागे तब शुभना जन गण मंगल गायक जय हे भारत विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद और जय हिंदी। लीलाधर जी प्रणाम प्रणाम, फिर दोबारा मिलते हैं, नमस्ते, धन्यवाद सर।